मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? जोरा मुरैना, जोरा मुरैना के पास। कौन कौन है मैया आपके घर में? पांच लड़के, एक लड़का मर गया है, उसकी घरवाली मायके हैं। चारों लड़के शराब पीते हैं, घर का मकान नहीं, कुछ नहीं, सब इधर उधर घूम रहे हैं। एक लड़के के यहाँ में गई तो तीसरे दिन मुझसे कह दी कि आप मम्मी जा सकती हो जहाँ तहाँ, जैसे पापा गए हैं जैसे आप भी जा सकती हो। दो साल मालिक को जाया है, कोई इलाज नहीं है। और मैं बोली मैंने कि बेटा मैं कहाँ जाऊँ, पैर टूटा, हाथ टूटा, कमर टूटी, मैं कहाँ जाऊँ कि मेरे जाने कहीं भी जाए। किसने बोला ऐसा कि कहीं भी जाओ? बेटा ने मेरे, आपके बेटे ने बोला कि कहीं भी जाओ। हाँ, फिर पाँचवें दिन बाद ने मेरा ऐसे हाथ पकड़ के रंग पंचमी के दिन मैं घर से निकाल दी। तो मारा आपको किसी ने? नहीं मारा नहीं, हाथ पकड़ के निकाल दिया। हाँ, घर से मारा। किसने किसने हाथ पकड़ के निकाल दिया? सुबह किसने निकाला हाथ पकड़ के? बच्चे ने, बेटे ने। हाँ, अब मैं बड़बड़ाती फिरी, मैंने 10-8 दिन इधर उधर काटे। इसमें एक बनिया की लड़की रही, वो लड़की मैंने मान छीन ली थी। तो माने ही कही कि माँ अपने बच्चे से के जो माई है तू वृंदावन छोड़िया, तो वो मुझे छोड़ गया। जा छोड़ गया। तो बेटों ने रोका नहीं आपको कि माँ रहो हम सेवा करें? बेटा ने खुद बनिया के लड़के से यही बोला कि भाई साहब आप मम्मी हैं छोड़िया। पांच बेटे हैं माँ के, जिसमें चार बच्चे हैं अभी, एक बेटी है। पर देखिए माँ बता रही हैं कि 7-8 दिन यहाँ दर दर की ठोकर खाती रहीं, बाद में ये गौरी गोपाल आश्रम आई। मैया आपको यहाँ गौरी गोपाल में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं कोई तकलीफ। यहाँ आप खुश हैं? यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लगे आप? नहीं कोई पैसा, एक पैसा नहीं। आपको यहाँ भोजन पानी मिलता है? सब, दवा दारू दूध पानी सब मिलता है, फल मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। दारू भी मिलती है? हाँ। नहीं है? अरे नहीं समझे। अच्छा समझाओ। सब कुछ मिलता है, दूध मिलता है, दवाई मिलती है, सब कुछ मिलता है। हाँ। मेरी दम कड़ रही है, मैं बता सही बोला नहीं जाता है मुँह पे। ठीक है मैया, हम तो आपके बेटे हैं ना, इसलिए चंचल होना स्वभाव है बच्चों का भाई, स्वभाव यही बोला जाता, दवा दारू ठीक चल रही है ना। गौरी गोपाल आश्रम में सभी माओं की सेवा होती है, इन माओं को जरूरत पड़ने पर दवाई भोजन। पांच बेटे हैं माँ के, लेकिन अपनों ने साथ नहीं दिया, तब ये माँ दर दर की ठोकर खाती हुई गौरी गोपाल आश्रम आई। और अब ये माँ यहाँ, आप खुश हैं मैया? खुश हैं? खुश हूँ, कोई परेशानी नहीं। देखो यहाँ हमारी माँ खुश है, प्रसन्न है। यदि हमारी वजह से किसी को प्रसन्नता मिलती है, किसी की होंठों में मुस्कान आती है, तो क्यों ना हम किसी की मुस्कान की वजह बने, किसी की कष्ट की वजह हम क्यों बने। आपसे प्रार्थना है कि इन बेसहारा माओं के लिए आप भी अपने हाथ जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि गौरी गोपाल आश्रम में 280 माएँ हैं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया माओं का? आप सभी लोग भी दर्शन कीजिएगा सामने वाले आश्रम में, यहाँ माताएँ रहती हैं, यहाँ की सेवाएँ देखिएगा अपनी आँख से। और इन माओं के लिए आप चाहें तो आश्रम का निर्माण हो रहा है, इन माओं को एक कमरा बनवा के आप भेंट कर सकते हैं अपनी माता के नाम से, पिता के नाम से, ये आपकी माँ है। इन माओं के लिए आप एक कमरे की छत डलवा सकते हैं, एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, एक माँ को आप भरपेट रोटी दे सकते हैं, या 280 माओं को आप भोजन दें कि आज हमारी ओर से सभी माएँ भोजन करें, आज हम माओं को भोजन कराएंगे, आज हम माओं को नाश्ता बंटवाएंगे, आज हम माओं को दूध की सेवा करेंगे, आज हम माओं को दवाई की सेवा, जो आपको ईश्वर ने लायक बनाया है यहाँ की सेवाओं से जुड़िएगा। और बताओ इन माओं का सहारा बनना सही है या गलत है? यदि आप सही समझते हैं तो सही कार्य से अपने आप को भी जोड़िएगा। मैं आपको बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छे कार्य करने से मन को शांति तो मिलती है, भगवान भी कृपा करते हैं कि भाई आपने किसी बेसहारा माँ को सहारा दिया। सहारा जरूर बनिएगा, आप बनने लायक हैं। जब आप इन माँ का सहारा बनेंगे तो भगवान आपका सहारा जरूर बनेंगे। आप
एक ईंट लगवा सकते हैं अपनी ओर से कि आश्रम में मेरी ओर से एक ईंट लग जाए, एक बोरी सीमेंट लग जाए, जिस लायक विधाता ने बनाया। आप अपने धन को धर्म से जोड़िएगा जरूर, थोड़ा ही सही इन वृद्ध माओं का दर्द पीड़ा समझिएगा जरूर, और इन माओं को अपनी माता मानकर इन माओं के लिए अपने हाथ जरूर बढ़ाइए सहयोग के। मैया बाप यहीं रहिए, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर, हम सब आपका बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे, करेंगे ना सेवा। जिस लायक आपको विधाता ने बनाया थोड़ा ही सही, याद रखिएगा नर सेवा ही नारायण सेवा है। जब आप किसी बेसहारा को सहारा देते हैं और किसी भूखे को भोजन देते हैं तो इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 280 माताएं रहती हैं, वो माएँ जिनके अपने साथ नहीं देते, सेवा नहीं करते, ऐसी माएँ जब यहाँ रहती हैं तो उन्हें सुख मिलता है। क्या मिलता है? सुख। और सुख देना क्या है? जोर से पुण्य है, हाँ या ना? सबसे बड़ा पुण्य है सुख देना। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे रोज अन्न क्षेत्र बंटता है, कोई भी साधु आ जाए, कोई भी संत आ जाए, सभी साधु संतों को खूब पेट भर भोजन मिलता है। बताओ किसी को भोजन देना सुख देना है या दुख देना है? हाँ, इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सबको संतों को अन्न क्षेत्र मिलता, भरपेट भोजन मिलता है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप भी सबको भरपेट भोजन दीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं, अन्न क्षेत्र बंटता है, एक दिन का अन्न क्षेत्र आप बंटवाइए और सभी संतों को अपनी ओर से भोजन देकर पुण्य की श्रृंखला से जोड़िए। सबसे बड़ा पुण्य है अन्नदान। गौरी गोपाल आश्रम में संतों को अन्नदान तो होता ही है, आप भी अपनी बेटी बेटे के नाम से कराओ। इन संतों के लिए एक संत निवास बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि संतों के लिए एक संत निवास के लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा योगदान दे सकते हैं। आप सब अपना योगदान देकर संतों के लिए अन्य क्षेत्र, तो जो चल रहा है एक निवास, संत निवास के लिए एक गज दो गज भूमि का आप सहयोग कर सकते हैं संतों के लिए। एक गज दो गज भूमि का सहयोग करेंगे तो संतों के लिए एक संत निवास बनेगा। जैसे वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम है, ऐसे संतों के लिए एक संत निवास होगा, तो आप भी संत निवास में सहयोगी बन सकते हैं। प्रिय भक्तों, गौरी गोपाल आश्रम में एक रसोई चलती है पूरी दुनिया की, भारत की नहीं, आप पूरी दुनिया की कहिए, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, रसोइयों में एक रसोई, पांचवें नंबर की रसोई गौरी गोपाल भगवान की रसोई है। एक ऐसी रसोई जहां सुबह से लेकर शाम तक लगभग 25,000 से 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, और आप सब अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथ से भी बांट सकते हैं, छिपा नहीं है कुछ, जो कहा जा रहा है उसको आप अपनी आंख से देखिएगा, मेरी बात पर यकीन मत कीजिएगा। आप में से कितने लोगों ने यहाँ अन्य क्षेत्र का दर्शन किया, जो रसोई सेवा चलती है, किस किस ने प्रसादी पाई है? आप लोगों ने दर्शन किया ना क्षेत्र का? आप अभी देखिएगा हजारों लोग प्रसाद पाने नीचे आप देख रहे हैं जा रहे होते हैं। कोई भी आज सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक कोई भी आए, सबको पेट भर भोजन मिलता है, दाल चावल सब्जी रोटी, वो भी गरम गरम, हर दूसरे घंटे में भोजन तैयार होता है। बड़ी मशीन लगी है रोटी बनाने की जिसमें एक घंटे में 6,000 रोटी निकलती है। एक घंटे में लगभग 6,000 रोटी निकलती है। ये सारा प्रसाद तैयार होता है सब आप भक्तों को। ये बताओ अन्नदान ये सबसे बड़ी सेवा है या नहीं? तो आप भी पहले तो देखो अपनी आंखों से गौरी गोपाल भगवान की तमाम रसोई सेवा, और फिर लगे कि हाँ हमें भी इस अन्नदान से जुड़ना चाहिए, क्योंकि गौरी गोपाल भगवान स्वयं चाहते हैं कि वृंदावन जो भक्त आए उन्हें भरपेट प्रसाद गौरी गोपाल जी की रसोई में मिलना चाहिए।
तो ये रसोई आप की सेवा से चलती है, आपके सहयोग से। आप भी एक दिन की रसोई सेवा बंटवाकर हजारों भक्तों को भोजन देकर सेवा से जुड़ सकते हैं। प्रत्येक रोटी में घी लगाकर भक्तों को परोसी जाती है। गौरी गोपाल आश्रम में एक गौशाला है जहां लगभग 300 गौ माता हैं। आप भी गौदान करके गायों को चारा भूसा का सहयोग। गौरी गोपाल गुरुकुल है जहां बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, अपने भारतीय गुरुकुल की परंपरा। 104 बच्चे यहां पर अभी हैं और ये बच्चे भारतीय परंपरा को पढ़ते हैं, वेद पुराण। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में निःशुल्क बच्चों का रहना, खाना पीना सब। ये दास अनिरुद्ध जो आपसे कहता है कि सहयोग करो, आपके सहयोग से देखिए यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है। आपके सहयोग से संतों के लिए रसोई चलती है, आपके सहयोग से गौ सेवा होती है, आपके सहयोग से विद्यार्थियों को शिक्षा मिलती है, आपके सहयोग से यहाँ निःशुल्क चिकित्सालय चलता। कोई भी आए सबको निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा। और आपके सहयोग से यहाँ पर 280 वृद्ध माताएँ, बेसहारा माओं को सहारा मिलता है आपके सहयोग से। और अभी 1000 माताओं के लिए ये बड़ा गौरी गोपाल आश्रम तैयार हो रहा है जहाँ 1000 माताओं की व्यवस्था रहेगी।